अंजलि अंजलि। हाँ यार आ रही हूँ। मालिक ये देखी, देवराज की बहिनिया जवान एकरा से बहुत प्यार करेला और सबसे बड़ी कमजोरी हवे। बहुत खुशी मना ले लेस देवराज। भैया आप आदेश करी, एक टुकड़ा टुकड़ा करके देवराज के दहलीज पर फेंक दे, तब जाके हमारे भाई शक्ति के आत्मा की शांति मिली। शांत शांत मंगल शांत। ओ करी कमजोरी बा, अभी हमरे हाथ में आइल बा देवराज, अब तू ना बच सकत है। हम तोहरी ई कमजोरी पर इतना वार करब, इतना वार करब के खुद ही तड़प तड़प के मर जाए। अब होई हमार खेल शुरू। ओके गाइस, मेरा सामान पैक हो चुका है और मेरे पापा मुझे लेने आ रहे हैं। काश ये लाइफ यही थम जाती, यहाँ से जाते ही पापा शादी कर देंगे, फिर क्या, वही बच्चे और बच्चों की वजह से अपनी फिगर और लाइफ बर्बाद करो यार। रॉन्ग बेबी, शादी और बच्चों के बीच में हनीमून भी आता है। इस टाइम टू हैव फन बेबी, चाहे कितने भी डिग्री ले लो। शादी के बाद तो जब तक कोई मांग में सिंदूर ना भरे तब तक लाइफ। अंजलि कहाँ थी यार तुम, कितने देर से वेट कर रहे थे? अरे सॉरी। अरे तनु बेटा, पापा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओके मेरे पापा भी आ गए, अब मैं जाती हूँ। बाय यार, मिस यू। बाय गाइस, बाय 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 बाय। चलो बेटा देर हो रहा है। पापा देर हो रही है बेटा, चलो। बाय गाइस, बाय 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 गाइस, बाय अंकल, बाय। क्या हुआ अंजलि, कॉलेज खत्म हो गया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम मुंह लटकाए खड़ी हो। यार मैं खुश हूँ, आज 10 साल बाद अपने भैया से मिलूंगी, उनसे कितनी सारी बातें करनी है, लेकिन बस एक ही डर लग रहा है, जिसकी वजह से मैं 10 साल पहले भैया से अलग हुई थी, क्या वो भैया आज भी उससे उतना ही प्यार करते होंगे? किसकी वजह से? शिवा, मेरे भैया का नौकर। आजा। ये है हमारा घर। ओ बहना रानी। भैया। ओ बहना रानी, हेलो। कैसी हो तू? ठीक। ठीक। गुड। आज ना हम किसको साथ ले आए देखो। ये है शिवा। ए शिवा, ये है हमारे बहन। आज से ये शिवा हमारे साथ रहेगा अपने घर में। क्या क्या हुआ? हम इन गंदे लोगों के साथ रहेंगे? नहीं, मैं तो इसे अपने खिलौने भी नहीं दूंगी। ऐसा नहीं बोलते। एक बात कहूं आपसे, ये गंदा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में अगर कुछ चीज गंदी है तो है इंसान की सोच। अभी माना कि ये गरीब है, छोटे घर में रहता है, इसका मतलब ये गंदा हुआ नहीं ना? है कि नहीं? ए शुभा, अभी ये गुड़िया रानी के सारे जो खिलौने हैं इन सबको उठा और उनके कमरे में उनको ले जाने के लिए मदद करिए आप। ओके उठाओ। नहीं, अरे मैं अपने खिलौने खुद लेके जा सकती हूँ। अंजलि, आज 10 साल बाद भी मैं उससे उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी पहले करती थी। अंजलि, शायद जितना प्यार तू अपने भैया से करती है उतना प्यार भैया भी करते हैं, शायद नहीं 100% करते हैं। और वैसे भी एक नौकर से इतना क्या वास्ता? चाहे नौकर हो या राजा, अंजलि अपना बदला कभी नहीं भूलती। और देखना, अगर वो अभी तक भैया के यहाँ से निकला नहीं होगा ना, तो इस बार तो उसे निकाल के ही दम लूंगी मैं। मेरे भैया हमेशा से शिवा को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि वो उनका अपना हो और मैं पराई। शाबाश। आपको पता है
अरे बाप रे, वेट। ऐसा नहीं यार, ये देखो ऐसा बड़ा लेने का, दबा के दबा के दबा, और ये और आखिर वही हुआ रिया। पढ़ने का बहाना बना के भैया ने 10 सालों के लिए मुझे खुद से दूर कर ही दिया। बॉस, भैरव के शांत करेंगे पड़ी। ये होकर दूसरा अटैक है। दुनिया का खतरनाक से खतरनाक जानवर भी शेर से डरेला। हमको कोई छू भी नहीं सकता जब तक तेरे जैसा शेर हमारे साथ है। अरे रुक, अंजलि। अंजलि, अंजलि भैया इतना बड़ा हमला हुआ और तू अंजलि ने कुछ बताया नहीं? अरे हमें हमार कोनो गलती नहीं है, सारा गलती बस शिवा भैया। अरे तू भाग चल। भैया हाथ छोड़िए। नहीं, इसको बिल्कुल शांत, ठंडा है ना? ए पगली, ये देख, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना? आज तो हर भैया तुम्हारे सामने जो सही सलामत ऐसा खड़ा है ना, इस शेर की वजह से। और तू उसको गोली मारना चाहती है? अभी ऐसा 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 मुंह फुला के अब मेरे तरफ नीचे गर्दन करके देखेगी या भैया से गले भी लगेगी? भैया आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? अरे पगली, हमको कुछ नहीं होगा जब तक ये शेर हमारे साथ है। फिर से शिवा, हर बात में शिवा। अरे तारीफ तो इसकी आप ऐसे करते हैं जैसे अथाह शक्ति का मालिक हो, साक्षात बजरंग बली का अवतार हो ये शिवा। अभी सुन सुन, ये जो गुस्सा है ना, खाने में उतर दो। चलो चलो आगे आजा। झुमकी, वैसे भी बचपन से हम आपके एक आदत जानते हैं। क्या? जब आपको भूख लगती है ना तो आप इस तरह का कांड कर देती हो। नहीं है कि नहीं? पकड़ लिया ना? आजो बैठो बैठो आराम से, आ जाओ जाओ, वेरी गुड। लेकिन हम ना आपसे थोड़ा नाराज है। क्यों? एक बात बताइए ना, आपने हमें फोन किया ना, आपने हमें कोई मैसेज किया? एक सीधी सी बात है, अगर ये चीजें आप करती तो एयरपोर्ट पर हम किसी ना किसी को तो आपको लेने के लिए भेजते थे कि नहीं, आप बताइए। हाँ भैया, भेज सकते थे ना? तो फिर जैसे आपको तो अपने काम से बहुत फुर्सत मिलती है ये सब जानने के लिए। आपको पता भी है क्या? मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका है। हाँ। इसलिए अब मैं हमेशा यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं 10 साल आपसे बहुत दूर रह चुकी, लेकिन अब नहीं। ठीक बा, जैसा ना आपकी मर्जी। चलो शुरू करो। ए मेरे शेर, आजा बैठ, आजा बैठ, बैठो बैठो बैठो, दबा के खाना खाओ आज। बस
अरे छोड़ो यार, खा लो, आज बहुत खुश है हम। खा लो खा लो, शुरू करो, शुरू 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 शुरू, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये लीजिए। ओके, ब्रेकफास्ट प्लीज, ब्रेकफास्ट प्लीज, ब्रेकफास्ट प्लीज, ब्रेकफास्ट प्लीज, वी आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। इतना बार कहानी हमसे इंग्लिश ना। व्हाट आर यू डूइंग मैन, इट्स टू लेट। देसी मुर्गी अभी लाई थी, बोल खा लो। अरे बा, काहे एक एक काटे खातिर ई ऑमलेट की राख। अरे ऐसे कहले ब्याह करके भौजी लिया था, पैसे भी उम्र हो गई बा, नहीं तो कोनो बाप अपन बेटियों ना दे। खासन रे, ये तहार ऑमलेट से टेस्ट में बेस्ट और ये लेटेस्ट पा। केदला सा भाभी, भाभी हाँ बबली भाभी, कहाँ भी आ। मुरारी, मुरारी, अरे ओ मुरारी, हम कब से चिल्लाता नहीं मुरारी मुरारी, अब तू बड़ा किस सुनते नहीं खा। तू काहे परेशान बाड़ू? वो शिवा कहाँ बड़े, रात से नहीं खा नाइल। रात नहीं खा नाइल? हाँ जरूर योगा करत हुई है। योगा? हाँ अभी रात के कमन योगा होला। भोगासन, भोगासन। ज्यादा तू ना समझू, काहे तो परेशान बाड़ू। अरे हमके उनका के एगो गुड न्यूज सुनावे के बा। गुड न्यूज? हाँ गुड न्यूज। अरे तू लोग हनीमून का मना लेला हो? अरे बुद्धू हनीमून मनल नहीं के, मनावे के तैयारी बा। तैयारी बा? हाँ। बतावा भैया, सब हनीमून मनावता, हम यहाँ बैठ के भंटा छिलाब।